दोस्तों, इस वीडियो में हम सेल्फ इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि खुद को कैसे एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल बनाएं। खुद को एक्सपेंसिव और हाईली वैल्यूएबल बनाने के लिए अपने ऊपर मनी, टाइम, नॉलेज और अन्य वैल्यूएबल रिसोर्सेज का इन्वेस्टमेंट करना सबसे पावरफुल तरीका है। ये सिर्फ मटीरियल वेल्थ के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को ऐसा व्यक्ति बनाने के बारे में है जो अपनी स्किल्स, नॉलेज और क्वालिटीज के कारण रिस्पेक्ट, एडमिरेशन और अपॉर्चुनिटीज प्राप्त करता है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज जैसे कि टाइम, मनी और एफर्ट को डेडिकेट करना। इसमें एजुकेशन प्राप्त करना, न्यू स्किल्स सीखना, नेटवर्किंग करना, हेल्थ को मेंटेन करना या अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना शामिल हो सकता है। जितना अधिक आप इन एरियाज में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही वैल्यूएबल आप खुद के और दूसरों के लिए बनते जाएंगे। इसे इस स्टोरी से समझते हैं। सारा नाम की एक यंग प्रोफेशनल है जो मार्केटिंग में काम करती है। जब उसने शुरुआत की तो उसके पास बेसिक स्किल्स थे और वो अपना काम ठीक ठाक कर रही थी, लेकिन उसने वहां रुकने का फैसला नहीं किया। सारा ने खुद में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। उसने डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन कोर्सेज किए, डेटा एनालिटिक्स सीखा और लीडरशिप और कम्युनिकेशन पर वर्कशॉप्स में भाग लिया। उसने अपने फील्ड के बारे में ही नहीं बल्कि साइकोलॉजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी और पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में भी एक्सटेंसिव रीडिंग की। समय के साथ सारा के एफर्ट्स का फल मिलने लगा। वह अधिक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने, बेटर डिसीजंस लेने और अपनी टीम का अधिक इफेक्टिव ढंग से लीडरशिप करने में सक्षम हो गई। जैसे जैसे उसकी एक्सपर्टीज बढ़ी, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। वह अपनी कंपनी में एक ऐसी व्यक्ति के रूप में जानी जाने लगी जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती थी जिन्हें अन्य लोग नहीं कर सकते थे। अंततः उसे सीनियर रोल पर प्रमोट किया गया और उसकी सैलरी में भी सब्सटैंशियल इंक्रीज हुआ। सेल्फ इन्वेस्टमेंट वैल्यू। सारा की स्टोरी इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे खुद में इन्वेस्टमेंट करना आपको एक्सपेंसिव बना सकता है। उसने अपॉर्चुनिटीज का इंतजार नहीं किया, उसने उन्हें खुद ही क्रिएट किया, लगातार खुद को इम्प्रूव करके। इससे न केवल उसे अपने काम में इंडिस्पेंसेबल बना दिया, बल्कि नए अपॉर्चुनिटीज के डोर्स भी खोल दिए जो पहले उसकी रीच से बाहर थे। इसे एक और स्टोरी से समझते हैं। अमन नाम के एक व्यक्ति है जो अपनी फिटनेस को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वो हमेशा थका थका महसूस करता था और उसका एनर्जी लेवल भी कम रहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देगा। अमन ने सेल्फ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की। उसने एक जिम मेंबरशिप ली, एक फिटनेस कोच हायर किया और अपने डाइट को सही किया। उसने नियमित रूप से एक्सरसाइज करना शुरू किया, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। कुछ महीनों के भीतर अमन ने अपनी फिटनेस में बड़ा बदलाव महसूस किया। उसकी एनर्जी लेवल्स बढ़ गई, वो ज्यादा फोकस्ड और कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई और उसका ओवरऑल वेलबींग सुधर गया। वो अब न सिर्फ शारीरिक रूप से बेहतर दिखता था बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत हो गया था। उसकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट ने उसे एक वैल्यूएबल व्यक्ति बना दिया, उसके लिए और उसके आसपास के लोगों के लिए भी। सेल्फ इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अमन की यह कहानी इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे खुद में इन्वेस्टमेंट करना आपको एक्सपेंसिव बना सकता है। उसने अपनी फिटनेस और हेल्थ में टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट किया और नतीजे में उसे अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला। इससे न सिर्फ उसका स्वास्थ्य बेहतर हुआ बल्कि उसने अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में भी अधिक अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस हासिल की। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लें कि आप अपनी फिटनेस को सुधारना चाहते हैं। खुद से उम्मीद करने के बजाय कि यह अपने आप बेहतर हो जाएगी, आप एक फिटनेस प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं, एक पर्सनल ट्रेनर हायर कर सकते हैं या ऑनलाइन फिटनेस रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस्ड डाइट को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। समय के साथ आपकी फिटनेस में सुधार के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट आपको अधिक एनर्जेटिक, हेल्दी और कॉन्फिडेंट बना देगा, जो किसी भी क्षेत्र में हाईली वैल्यूड क्वालिटीज हैं। कंक्लूजन। मुख्य बात यह है कि आप स्वयं अपनी सबसे वैल्यूएबल एसेट हैं। खुद में इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी वर्थ और उस वैल्यू को बढ़ाते हैं जो आप दुनिया को देते हैं। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें डेडिकेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके रिटर्न्स अमेजरेबल होते हैं। चाहे वो नए स्किल्स प्राप्त करना हो, अपने नॉलेज को डीपन करना हो या अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को एनहांस करना हो, खुद पर किया गया हर एक एफर्ट आपको सबसे मीनिंगफुल तरीके से एक्सपेंसिव बनाता है। दोस्तों, आप लोगों अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला है तो इसे लाइक, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। और हाँ, प्रवीण कुमार नौटियाल के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।